सैयद मदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आज डे फोर का सारे क्वार्टर फाइनल मैच के बाद सिंगल और डबल मिला के टोटल 13 इंडियन खिलाड़ी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुका है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन मिक्स डबल में रहा, जिसमें चारों सेमीफाइनलिस्ट अपना ही जोड़ी पहुंचा है। मेन सिंगल का क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय ने फ्रांस का अर्नर्ड के खिलाफ दोनों सेट में 19-21 और 16-21 से हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दूसरे खिलाड़ी मेथोन जो रसिया का सर्गो को 11-21 से पहला सेट हारने के बाद नेक्स्ट दोनों सेट 21-12 और 21-18 से अपने नाम करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। फिर वोमेन सिंगल का क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु पहला सेट थाईलैंड का शुपिंदे के खिलाफ 11-21 में हार गई थी, उसके बाद 21-12 और 21-17 दोनों सेट जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दूसरा खिलाड़ी मलबिका जो अपना ही आकर्षी को दोनों सेट में 21-11 में हारते हुए सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। तीसरा खिलाड़ी अनुपमा भी इंडिया का समियाद इमाद को 24-22 और 23-21 एक लाजवाब मैच में हारते हुए सेमीफाइनल में एंट्री की है। मेंस डबल के लिए प्रेम और राजेश का जोड़ी जो अपना ही अस्तिभा और अनुराधा को 21-17 और 21-13 में हारते हुए सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। फिर कृष्णा और विश्ववर्धन का जोड़ी ईशान और साई प्रतीक का जोड़ी को 21-17 और 21-18 स्ट्रेट सेट में हारते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा। लास्ट में एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला जो फ्रांस का फेवियन और विलियम का जोड़ी को 2-1 में हारते हुए सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। वुमेन्स डबल के लिए हरिता और असना राय का जोड़ी जो इंडियन तनिष्का और श्रुति का जोड़ी को एक हाई वोल्टेज मैच में 2-1 में हारते हुए सेमीफाइनल में क्वालिफाई की। त्रिशा और गायत्री रसिया का एनेस्थेसिया और ओलेगा को दोनों स्ट्रेट सेट में 24-22 और 21-10 के साथ जीतते हुए सेमीफाइनल में पहुंची। लास्ट में रामाया और अपेक्षा का जोड़ी वॉकओवर दे चुकी है और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मिक्स डबल के लिए एमआर अर्जुन और त्रेशा का जोड़ी फ्रांस का विलियम और अर्ने का जोड़ी को 24-22 और 21-17 में हारते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा। ईशान और तनिषा का जोड़ी असिता और परंजल का जोड़ी को 21-13 और 21-19 में हारते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा। अक्षन और सिमरन का जोड़ी अपनाई बालक्रेसरी और श्वेता परने का जोड़ी को 21-15 और 22-20 में हारते हुए सेमीफाइनल में पहुंचा। लास्ट में टी हेमा और श्रीवद्य का मैच मालवेशन जोड़ी के सामने था। मालवेशन जोड़ी ने वॉकओवर दे चुका है, तो टी हेमा और श्रीवद्य भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। तो ये रहा इंडिया का सारे क्वार्टर फाइनल मैच का रिजल्ट। अब कल मिलते हैं सेमीफाइनल का रिजल्ट लेके।